आई रियली फील ब्लेस्ड बिकॉज एक शो के बाद जल्दी से दूसरा शो करना और वो कैरेक्टर को पसंद करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है नेगेटिव होने के बाद भी. आई मीन जब नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो लोग उसे इतना पसंद नहीं करते, बट इन माई केस इट्स ऑपोजिट, पीपल आर लविंग इट. सो आई रियली फील ब्लेस्ड दैट आप सबको मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लग रहा है. आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है उस चीज़. ऋषभ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है. आई मीन द वे ही इज सिंपल, यू नो, मतलब वो दिखता है ऐसा है, मतलब वो जो अच्छे इंसान होते हैं ना, आई कैन डिस्क्राइब ऋषभ इन दैट. सो इसलिए मैं एक्चुअली ऐसी पार्टीज अटेंड करती नहीं हूँ, बट देन ऋषभ का बर्थडे था सो मैंने सोचा कि शूट से मैं डायरेक्टली बाहर से बाहर चली जाऊँ. सो इसमें आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि वो वहाँ पर है एंड ही इज प्लेइंग वेरी वेल. आई फील कि बहुत अच्छा कर भी रहा है एंड आई नो दैट वो जीतेगा बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले एंड आई नो ही विल डू बेस्ट. मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हुआ समान सर ने किया और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया जो सिनेरियो उनके साथ में हुआ था, वेरी पेनफुल लाइफ निकाला गया, बट वो अपनी जर्नी थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि आई डन माय लाइफ एंड आई एक्सेप्ट कि मैं सुसाइड करूँ जो मेरे साथ में हुआ है. मैं आपसे कहना चाहूँगी आप दोनों की इस तरीके की बॉन्डिंग थी आफ्टर शो, क्या कुछ पता है कुछ भी देना चाहेंगी? आई थिंक वो पास्ट में जो हो गया है हम उसे पास्ट में ही रहने देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उस बात को भी अभी हो जाएगा 6-7 महीना, सो उस बात के बारे में क्यों बात करना जो बात हो चुकी है. सो बिकॉज हम दोनों भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ही इज डूइंग बिग बॉस, आई एम डूइंग अ शो, सो उसके बारे में बात करके आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस. अभी तो नो कमेंट्स ऑन दैट बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग अ शो, सो आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट ईयर देखते हैं इफ मन किया तो, जो भगवान चाहे. अरे हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं उसे, लाइक मेरी पूरी फैमिली, हम जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं फुल सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वी नो दैट ही विल डू ग्रेट एंड ही इज डूइंग ग्रेट, सो आई नो कि वो अच्छा ही कर कर आएगा.